हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संजीता। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बचा हुआ खाने के बाद जो बच जाता है चावल थोड़ा सा, उससे कुछ बना लेंगे हम। वही रेसिपी मैं बताऊँगी। चलिए देखते हैं। चावल की बढ़िया मतलब कुरेली। मेरे पास एक कटोरी चावल बची थी, इसे मैं ब्लेंडर के जार में ब्लेंड करने के लिए 3-4 हरी मिर्च डाल के ब्लेंड कर ली थी और 1 चम्मच नमक डाली थी इसमें, और थोड़ा सा 1 कटोरी पोहा में डाल के अजवाइन 1 चम्मच और 1 चम्मच जीरा डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर ली थी। उसके बाद एक थाली लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे, 1 चम्मच को डुबो के थोड़ा बेटर ले आएंगे और थाली में धीरे धीरे करके ऐसे दबा के थोड़ा डालेंगे। मैं एक एक करके सभी बड़ियों को डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो मेरे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए देखते हैं। मेरे एक एक करके सब बढ़िया में डाली थी और 3-4 दिन के बाद मैं धूप में सुखा दी थी, और इसके बाद ऐसे हो गया। और चलिए देखते हैं ये कैसे बना है। और एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे तलने के लिए, और ये गरम हुआ कि नहीं चेक करेंगे। गरम होने से जो बढ़िया डालेंगे तब ये ऊपर चला आएगा, और देखिए ये ऊपर आ गया मतलब तेल गरम हो चुका है। ये बड़ी बन चुका है मतलब तल चुका है, और इसे निकाल लेंगे हम अभी। और उसके बाद क्या करना है हमें, थोड़ा सा तेल गरम होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बढ़िया सब तलेंगे। और देखिए मैं डाल दी और इसे उलट पुलट कर ऐसे डीप फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद ये जो है बढ़िया बढ़िया जो है हाई फ्लेम टू लो मीडियम फ्लेम में ही आपको पकाना है। ज़्यादा पूरा हाई फ्लेम में रखने से भी ये जल जाएगा, पूरा लो फ्लेम में रखने से भी इससे क्या क्या होगा, ये तेल सब बढ़िया जो है तेल ऑब्जर्व कर लेंगे। उसके बाद इसे हमें निकाल देना है। और ये कैसा बना था, मैं आपको क्रिस्पी बना था या नहीं मैं आपको देखा के बताऊंगे। और ये बन चुका है, इसे निकाल लेंगे हम। और जो बढ़िया था बाकी सब बढ़िया जो है उसे भी ऐसे ही तल लेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। और आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी रेसिपी बनाऊंगी आपको जो पसंद है, आप बता सकते हैं। देखिए ये मैं कुरमुरे मतलब ये बढ़िया कैसे कुरमुरे बन बन चुके थे और कैसे क्रिस्पी बना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।